देखो एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। पिछले 5-6 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस तरह का काम हुआ और जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसने बाकी पार्टियों को भी शिक्षा पर बात करने के लिए मजबूर किया है। अभी काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन बात करने पे तो मजबूर किया है। आप सब जानते हैं कि पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं, और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में शिक्षा के विषय में कुछ अनाउंसमेंट की टीचर्स के बारे में, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने पंजाब में, पंजाब की जो सरकार है कांग्रेस की, उसने बहुत काम किया है और दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप कुछ हमारे स्कूल देख लीजिए और हम आपके कुछ स्कूल देख लेते हैं, और दोनों में मीडिया को लेके चलते हैं और वहां पे फिर देख के डिबेट करते हैं आपके स्कूल के काम पर और दिल्ली सरकार के स्कूल के काम पर। पंजाब में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए, दिल्ली में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए। उसके रिएक्शन में पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ स्कूल नहीं, 10-12 स्कूल नहीं, हम 250 स्कूल देखना चाहेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो 250 स्कूल देखना चाहते थे। आज मैं दिल्ली सरकार के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा हूं। वैसे तो दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में खूब काम हुआ है, शिक्षा सुधार पे खूब काम हुआ है, बिल्डिंग पे खूब काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज पे, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग पे खूब काम हुआ है, वहां के रिजल्ट्स खूब इंप्रूव हुए हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे IIT JEE में गए हैं, तो 1000 स्कूल हैं, 1000 से ज्यादा, सब स्कूलों में बहुत शानदार आउटकम है। और हम तो किन्हीं भी 250 पे बात कर सकते हैं, किसी भी 250 पे बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री जी प्रगट सिंह जी 250 स्कूल की लिस्ट मांग रहे थे, तो मैंने दिल्ली सरकार के ऐसे 250 स्कूलों की एक लिस्ट दी है जिसमें पिछले 5 साल में खूब इंप्रूवमेंट हुए हैं। ये सारे के सारे स्कूल 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं, इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहां के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है, यहां के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं। इन 250 स्कूलों की लिस्ट में, जैसा मैंने कहा, सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं, और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहां इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। एक ही स्कूल, इन 250 स्कूलों में वो स्कूल भी है जहां एक ही स्कूल से 15-20 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया, 15 किसी में 20 बच्चों ने किया। यहां पर ऐसे भी स्कूल हैं इस लिस्ट में जहां एक ही स्कूल से 5-5 बच्चों ने JEE एडवांस क्वालिफाई किया है। इस साल हमारी सरकार के करीब 500 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है जो 12वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और करीब इतने ने ही JEE मेंस क्वालिफाई किया है, और उनमें से 70 बच्चों ने JEE एडवांस क्लियर किया है, जिनका मतलब है कि उनको सीधे IIT में एडमिशन मिल रहा है। पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से आगे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे पहले 80%, 85%, 75%, 60% ऐसे होते थे, अब हमारे स्कूलों के नतीजे 100% आ रहे हैं। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट है जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं, मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथ ही भी चले, और वहां हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पे क्या सुधार हुआ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इंप्रूवमेंट पे काम किया है। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो,
जहां उनकी सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी रिफॉर्म की हो, जहां उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में रिजल्ट सुधारे हों, जहां से उनके बच्चे नीट या जेई में सरकारी स्कूलों से जाने लगे हों, ऐसे 250 स्कूलों की लिस्ट पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, मैं अगर वो चाहते तो मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट उनको दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी तो 250 स्कूलों की लिस्ट मैंने जारी की है और उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक पंजाब के भी ऐसे 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जो 12वीं क्लास तक है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हुआ, जहां कैरिकुलम पे काम हुआ, जहां बच्चों के रिजल्ट शानदार आए, जहां बच्चे कॉम्पिटिशन में एग्जाम देके अब नीट और जेई में जाने लगे हों, जैसी परीक्षाओं में जाने लगे हों, वैसे 250 स्कूलों की लिस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करेंगे और उसके बाद हम दोनों चलेंगे। मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलूंगा, दिल्ली सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के और पंजाब सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के, और उसके बाद में पंजाब की जनता तय कर ले कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है या पंजाब में जो सो कॉल्ड काम हुआ है पिछले 5 साल में वो मॉडल अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी इसी तरह से 250 स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी और फिर समय बता दें पंजाब के शिक्षा मंत्री जी, दोनों पहले पंजाब बुलाना चाहते हैं, मैं पंजाब चलने को तैयार हूं, दिल्ली आना चाहते हैं, मैं दिल्ली आने को तैयार हूं, आके देखते हैं और फिर इस बहाने मीडिया भी साथ चले, पंजाब की जनता देखे, पंजाब की जनता देखे मीडिया के माध्यम से कि किस सरकार ने एक्चुअली स्कूल पे काम किया है और कौन सी केवल ब्लफ मार रही है। थैंक यू। मैं उनको भी भेज रहा हूं और मीडिया में भी जारी कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ही मुझसे 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, तो हमने तो कहा कि कोई भी स्कूल आ जाओ, पर ठीक है अगर उनको 250 स्कूलों की लिस्ट चाहिए, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट मीडिया के माध्यम से, ये सब दिल्ली सरकार के 12वीं तक के स्कूल हैं, 12वीं क्लास तक के स्कूल। नहीं, बिल्कुल वो भी जवाब देंगे, पर क्योंकि बात क्वालिटी एजुकेशन की हुई है तो हम तो हजारों स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन का काम कर रहे हैं, पर फिर भी अगर उनको, मैंने शुरू में कहा था कि हो सकता है कम समय निकालना चाहें, उन्होंने कहा हम 250 स्कूल देखना चाहेंगे, आप 250 देखिए, आप 1000 निकाल लीजिए, अगर आपने 1000 पे किया तो आप 1000 ले आइए, हम तो 1000 भी दिखाने को तैयार हैं। कोविड को लेके जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेके चिंता और डर दोनों जरूरी है, सरकार भी उसको लेके कंसर्न है, डीडीएमए की मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन साथ साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, बाकी नीचे लाइन डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, सब फिर से बहुत हाई अलर्ट पर चले गए हैं और हमने सबको अलर्ट करके कहा है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस किया जा सके तुरंत, जो स्पीड से पहले चल रहा था उसको और स्पीड अप कर दें और साथ साथ में नीचे पूरे अलर्ट पे रखें। नहीं, मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी मिंगल अप होने से बचें और थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक भी व्यक्ति नए वेरिएंट का दिल्ली में आया तो उसको फैलते हुए देर नहीं लगेगी, तो मान के चलें कि कोई आ गया है, ईश्वर करे अभी नहीं आया हो, पर मान के चलें कि आ गया है, हो सकता है कुछ लोगों में फैला हुआ हो। ये उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल है, उन्होंने तो स्कूल देखने से ही रोक दिया था मुझको पुलिस लगा के। बीजेपी ने पूरी एमसीडी को ठप कर दिया, इनसे एमसीडी पिछले इतने साल हो गए, इनको एमसीडी चलाते चलाते ठप कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। थैंक यू। पंजाब और पंजाबियत की परछाई, अब देखें एबीपी सांझा, टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।